इम्प्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब ये होता है कि इट इज एक्चुअली फंक्शंस विच आर नॉट एक्सप्लिसिट. एक्सप्लिसिट कौन से होते हैं? इन विच y कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ x. मतलब जैसे दो वेरिएबल हैं तो एक वेरिएबल को हम दूसरे के टर्म्स में लिख पाए, जैसे y इक्वल टू 2x प्लस, ये एक्सप्लिसिट फंक्शन y इन टर्म्स ऑफ. तो हमारे पास वो एक्स वाई प्लस 3x² इक्वल टू 0, तो तुम यहां पर y इक्वल टू लिख सकते हो. या इसमें फिर कंडीशन चाहिए, या ऐसे समझ लो y इक्वल टू x² प्लस 2x माइनस 5 इस टाइप के, या x इक्वल टू y³ प्लस 9. ये सब एक्सप्लिसिट फंक्शन. x कैन बी रिटर्न इन टर्म्स ऑफ y, या y कैन बी रिटर्न इन टर्म्स ऑफ x. तो फंक्शंस विच आर नॉट एक्सप्लिसिट आर कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन. इम्प्लिसिट फंक्शन कौन से होते हैं? विच आर नॉट एक्सप्लिसिट. तो फंक्शन विच आर नॉट एक्सप्लिसिट आर कॉल्ड implicit जैसे तुम्हारे पास कुछ इस तरह से आ जाए y plus sin y equal to tan x. तो अब इसको तुम्हें मैं कहूँ कि y को in terms of x लिखो या x को in terms of y लिखो, तो हम उसको जो है, या यहाँ पर मैं लिख दूँ tan of x tan x, तो इस तरह से कुछ लिख दूँ तो हम इसको फिर नहीं लिख पाएंगे y in terms of x या x in terms of y. तो इस टाइप के फंक्शन जो होते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन होते हैं. तो हमें इसके डेफिनेशन की बहुत ज्यादा डिटेल नहीं चाहिए. इम्प्लिसिट फंक्शन मतलब वेयर वी कैन राइट y इक्वल टू एफ एक्स टाइप और x इक्वल टू एफ वाई. तो ये होते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन. और इम्प्लिसिट फंक्शन होते हैं जहां हम नहीं लिख पाते हैं, जैसे ये मैंने लिखा. ऐसे बहुत सारा हो सकता है एग्जाम्पल्स इसके. तो इसकी बहुत डिटेल नहीं चाहिए तुम्हें. तुम्हें सिर्फ ये करना है कि जब भी तुम्हें डेरिवेटिव करना है, डेरिवेटिव करते वक्त हम जो रूल इम्प्लिसिट फंक्शन के लिए फॉलो करेंगे, सेम रूल एक्सप्लिसिट में भी लगाया जा सकता है. मतलब जिस रूल से मैं इसको डिफरेंशिएट कर सकती हूँ y प्लस साइन y इक्वल टू x tan x, उसी रूल से मैं इसको भी एक्सप्लिसिट फंक्शन वाले को भी कर सकती हूँ डिफरेंशिएट. तो वो ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते. जैसे मान लो मेरे पास हो 3y माइनस x इक्वल टू y स्क्वायर. तो अब मैं यहाँ पर x को इन टर्म्स ऑफ y लिख के डिफरेंशिएट करूँ या बिना लिखे डिफरेंशिएट कर दूं तो चलेगा, ठीक है ना? तो ये चाहे हाँ, इट इज वन ऑफ द इम्प्लिसिट फंक्शन, सॉरी इट इज वन ऑफ द एक्सप्लिसिट फंक्शन. एक्स कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ वाई हियर, 3y - y² बट जरूरी नहीं है कि हम पहले ऐसे लिखें और फिर डिफरेंशिएट करें. जो रूल हम एक्सप्लिसिट के लिए यूज कर रहे हैं, जो रूल हम इम्प्लिसिट के लिए यूज कर रहे हैं, सेम रूल हम एक्सप्लिसिट के लिए भी यूज कर सकते, ठीक है? तो इम्प्लिसिट फंक्शंस को, जैसे मैंने यही एक क्वेश्चन लिख लिया, मान लो इसी को मैं कर वो क्वेश्चन हो फाइंड डेरिवेटिव्स. तो इसमें कोई खास एफर्ट नहीं करना पड़ता. जब भी हमें किसी भी इस टाइप के क्वेश्चन में डेरिवेटिव निकालना होता है तो सिंपली वी अप्लाई differentiate both sides with respect to wrt, और लिख दिया मैंने, इसका मतलब with respect to x.
तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमारे पास क्या आ जाता है, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई प्लस साइन इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टेन एक्स। ठीक है, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करने का यही मतलब है कि दोनों तरफ हमने डी बाई डी एक्स ले। अब इधर ये प्लस है बीच में, तो तुम्हें पता है यहां पर क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई। और राइट साइड में क्या होगा, राइट साइड में क्या होगा मैम, ये दोनों वो है ना, तो इन दोनों का वो हो जाएगा मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल कौन बताएगा, लगाओ कौन बताएगा, तो अब ये यहाँ पर हमारे पास आ गया डी वाई बाई डी एक्स, और ये यहाँ पर डेरिवेटिव साइन वाई का है, तो साइन वाई का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस डी वाई डी एक्स, कॉस ऑफ क्या, वाई डी वाई, कॉस वाई, हाँ, देन डी वाई डी एक्स, डी वाई डी एक्स किसका, डी वाई डी एक्स, वाई भी तो आएगा, डी वाई डी एक्स ऑफ वाई। ठीक है ना, तो अगर हमारे पास साइन एक्स होता है तो हम डेरिवेटिव कॉस एक्स लिख देते, पर यहाँ पर क्योंकि ये एक्स नहीं है, इट इज समथिंग वाई, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, वाई इज सम फंक्शन ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। ठीक है, कॉस वाई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू, समझ में आया क्यों लिख रहे हैं हम यहाँ डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, क्योंकि ये वेरिएबल और ये वेरिएबल अलग, इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस आई, जो जैसे कि हमने साइन एफेक्ट्स में किया था वही रूल, साइन एफेक्ट्स में भी हम ऐसे ही करते हैं, कॉस एफेक्ट्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ, तो यहाँ पर एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ टैन एक्स क्या होगा, sec स्क्वायर, sec स्क्वायर। ठीक है, प्लस टैन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या होगा, वन। तो अब हमें यहाँ पर डीवाई बाई डी एक्स निकालना है, डिफरेंशिएट फाइंड डीवाई बाई डी एक्स का क्वेश्चन में देखो, तो जैसे हम मैथ्स में इक्वेशन सॉल्व करते हैं जो चीज हमें निकालनी होती है उसके लिए, इसी तरह से यहाँ पर हम डीवाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे, क्योंकि हमें डीवाई बाई डी एक्स निकालना, तो ये क्या आएगा, यहाँ पर कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, cos y इक्वल टू x, अब ये उधर रह सकते हैं, sec स्क्वायर x प्लस tan x, अब 1 प्लस cos y से डिवाइड कर देंगे, तो dy by dx इक्वल टू x sec स्क्वायर x प्लस tan x अपॉन 1 प्लस cos, तो ये तुम्हारा आंसर। ठीक है, समझ में आ गया, तो जो इस रूल से जिस तरह से हमने डिफरेंशिएट किया है, इसी रूल से हम किसी भी एक्सप्लिसिट फंक्शन को भी कर सकते हैं। यहाँ पे भी अगर मुझे डी वाई डी एक्स निकालना है तो मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएट ही तो करूंगी ना विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और क्या करूंगी, इसमें निकालना है तो भी यही करूंगी और इसमें करना है तो भी यही करूंगी, तो एक्सप्लिसिट फंक्शन हो या इम्प्लिसिट फंक्शन हो, डेरिवेटिव हम सेम तरीके से निकाल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो जब y इन टर्म्स ऑफ x नहीं दे रखा होता तो हमें कंपलसरी हो जाता है कि ऐसे ही करो। अब इसमें नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन हो सकता है, सारे क्वेश्चंस में हुई है फाइंड डी बाई डी एक्स इफ cos x y इक्वल टू tan square x plus cot a minus y square। ठीक है, मान लो ये क्वेश्चन,
और तुम्हें करना है डी बाई डी एक्स करना है। तो दोनों तरफ डी बाई डी एक्स करेंगे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ टेन स्क्वायर एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट ए माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर। तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स वाई क्या होगा? कॉस तो माइनस साइन हो जाएगा, माइनस साइन एक्स वाई और उसके बाद एक्स डी बाई डी एक्स प्लस वाई इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई। ठीक है, पहले इतना लिख लो वरना गलतियां करो। अब डेरिवेटिव ऑफ टैन स्क्वायर एक्स क्या होगा? tan square x next tan square x का मतलब है tan x का whole square। ये होता नहीं होता, मतलब पहले तो मतलब समझो किसको differentiate कर रहे हो। okay समझ गया। क्या रूल दिया था मैंने? 2 tan x और sec square x। हाँ, 2 tan x power 1 बनेगी। हाँ, into derivative of tan x। जरूरी नहीं ऐसे लिखो, direct sec square x लिखो। ठीक है, अब डेरिवेटिव ऑफ कॉट ए क्या होगा, कौन बताएगा? डेरिवेटिव ऑफ कॉट माइनस एक्स स्क्वायर ए। मैम जीरो। हाँ, क्यों होगा जीरो? मैम कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, वो जीरो हो जाएगा, तो उससे इनटू हो जाएगा। अगर तुम अप्लाई भी करोगे डेरिवेटिव ऑफ कॉट ए, तो कॉट ए होता है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर ए। इनटू डेरिवेटिव ऑफ जब ए करोगे तो आंसर तो जीरो ही आने, क्योंकि ए कांस्टेंट है, तो डी ए बाई डी एक्स तो जीरो ही आएगा फाइनली। ठीक है, तो इसलिए जब भी कांस्टेंट देखो उसका डेरिवेटिव डायरेक्ट जीरो लिख दो, देयर इज नो नीड टू वेस्ट टाइम। माइनस अब डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर, टू वाई डी वाई डी वाई इंटू डी वाई बाई डी बाई डी। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज माइनस साइन एक्स वाई। अब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई क्या होता है? x x डी वाई डी एक्स डी वाई बाय डी एक्स प्लस वाई गुड इक्वल टू टू टैन एक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ टैन एक्स एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस टू वाई डी वाई डी एक्स। अब अगर ये डी वाई डी एक्स लिखने में कष्ट होता हो ना, तो y डैश भी लिख सकते हो। मैं अगले क्वेश्चन में y डैश लिखूंगी, देखता तो थोड़ा सा तुम्हें कन्वीनियंट होगा। तो अब हमें dy by dx निकालना है, तो पहले हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। ठीक है, तो ये आ गया माइनस x साइन एक्स वाई dy by dx माइनस y साइन एक्स वाई, क्योंकि ये प्रोडक्ट हो रहा है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगी साइन एक्स वाई इंटू एक्स, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि एक्स जो है वो एंगल के साथ है या नहीं है, या फिर मैं एक और ब्रैकेट लगाऊं। तो जब भी इधर एक्स आ जाए, टू आ जाए, कुछ भी और टर्म आ जाए साइन थीटा के साथ इंटू में, तो वो टर्म को बेटर ये होता है कि इस तरफ लिखो, तो फिर कोई कंफ्यूजन नहीं होता। वरना कभी कभी बच्चे लिखते लिखते भूल जाते हैं और एक्स वाई को एक्स स्क्वायर वाई लिख जाते हैं, नेक्स्ट करके याद ही नहीं रहता कि वो तो अलग, तो इसलिए अपनी ही गलती हो जाती है। तो ऐसी वाली जो टर्म होती है उसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से पहले लिख देते हैं, हमेशा ध्यान रखो। दिस इक्वल टू टू टेन एक्स सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस टू वाई डी वाई डी एक्स। अब मुझे डी वाई डी एक्स निकालना है, तो मैं क्या करूं? डी वाई डी एक्स को एक साइड ले आएंगे, मतलब ले आएंगे राइट। तो ये इधर होके आ गया टू वाई डी वाई डी एक्स माइनस एक्स साइन एक्स वाई इक्वल टू, अब इसको राइट साइड ले जाऊं तो वाई साइन एक्स लिखा प्लस टू टैन एक्स सेक्स स्क्वायर। ठीक है मैम, इस वाले का नहीं लिखा, सेकंड वाले का एक्स साइन एक्स वाई का डी वाई डी एक्स यहाँ पर डी वाई डी एक्स। ठीक है, यही कह रहे हो ना? हाँ हाँ यस मैम। तो डी वाई बाई डी एक्स सब कॉमन ले ले, तो दिस इज टू वाई माइनस एक्स साइन
इक्वल टू वाई साइन एक्स वाई प्लस टू टेन एक्स सेक्स स्क्वायर एक्स. सो दिस इंप्लाइज डीवाई बाय डी एक्स इक्वल टू वाई साइन एक्स वाई प्लस टू टेन एक्स सेक्स स्क्वायर एक्स. अपॉन में चला जाएगा अब ये अपॉन 2y माइनस एक्स साइन. राइट, इज दिस क्लियर? समझ आ गया? किसी को कोई डाउट हो इसको लेके? नो मैम. चलो अब तुम लोग करो और मुझे आंसर बताओ. ठीक है, पहले तुम अपनी कॉपी में करना. साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू मैम कॉस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर. करो फाइंड डिवाइड एक्स. प्लस वन अपॉन वाई डिवाइड एक्स कर. पहले लेफ्ट साइड का दोनों साइड डेरिवेटिव हो जाएगा. हाँ, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो. अपनी कॉपी में लिखो, खुद ही लिखो, देखो कैसे करते हो. खुद लिखो फिर मुझे बताओ क्या क्या किया. सोच के करो. कॉस एक्स प्लस वाई. हाँ, कॉस एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में वन प्लस डीवाई बाई वन प्लस डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स टेन एक्स एक्स टेन एक्स प्लस सेक एक्स. इसका डेरिवेटिव मैम एक्स सेक एक्स का. मैंने कॉस एक्स को सेक एक्स लिख लिया. हाँ बहुत अच्छा किया. डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स है तो क्वेश्चन टूल अप्लाई करने से अच्छा है कि इसको एक्स सेक एक्स करो. ये कह रहे हो ना मैम? आगे माइनस माइनस टू एक्स माइनस टू एक्स सेक्स सेक्स स्क्वायर टेन एक्स स्क्वायर सेक्स स्क्वायर टेन एक्स स्क्वायर. हाँ, सेक थीटा का सेक थीटा टेन थीटा इनटू टू एक्स. माइनस वन बाय माइनस वन बाय वाई डीवाई बाई डी एक्स. वन बाय वाई डीवाई बाई डी एक्स. वन बाय वाई या कुछ वाई स्क्वायर. वन बाय वन वन बाय वाई स्क्वायर. सॉरी वाई स्क्वायर. तो मैं इसको वाई डैश लिख देती हूँ. तो माइनस वन बाय वाई स्क्वायर. ठीक है, और यहाँ पर वन प्लस डीवाई बाई डी एक्स था तो इसको भी वाई डैश लिख देती हूँ. ठीक है ना, थोड़ा सा लिखने में कन्वीनियंस हो जाएगी. तो अब ये यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे. अच्छा, अब इससे पहले कि मैं आगे चलूँ. हाँ बेटा बताओ, तुम लोग बताओ दोनों, इशिता और सिद्धार्थ. तो ये हो जाएगा cos, मतलब सेम ही है, बस मैंने यहाँ पे वो डिविडेंड वाला रूल लगा रखा है. x sec x नहीं लिया मैंने. अच्छा, तुमने कोशेंट रूल लगा दिया. हाँ. अच्छा देखो बेटा, प्रोडक्ट रूल इज इजियर देन कोशेंट रूल. ठीक है, तो जब भी हमारा टर्म सिंपल हो, जैसे ये cos x है तो इधर sec x ऊपर होता है, हमें पता है. मान लो तुम्हारे पास x अपॉन e की पावर x हो तो तुम इसको लिख सकते हो x इंटू e की पावर माइनस x. माइनस x पावर ऊपर जाके नेगेटिव हो जाती है. तो इस तरह से सिंपल अमेंडमेंट कर सकते हैं इफ यू आर कॉन्फिडेंट ऑफ सिंप्लीफिकेशन. अब x sec x का क्या आएगा? हाँ, x sec x का हो जाएगा x. ओके, मतलब मैं इसको नॉर्मली ओके x
उसके बाद sec x का डेरिवेटिव होता है sec x tan x प्लस प्लस sec x वन इनटू वन आगे देन ये हो जाएगा माइनस टू एक्स ये तो नॉर्मली आ जाएगा उस और माइनस वाई डैश अपॉन वाई ठीक है हाँ. तो अब ये जो y डैश अपॉन वाई स्क्वायर वाली टर्म है इसको लेफ्ट साइड पे ले आओगे और cos x y को उधर ले आओगे तो जब इसको इधर लाओगे तो ये y डैश cos x plus y और ये इधर आके प्लस हो जाएगा तो वन अपॉन वाई स्क्वायर रह जाएगा अगर हम y डैश भी कॉमन तो दिस इक्वल टू x sec x tan x प्लस sec x माइनस टू x ठीक है ना और cos xy राइट में आएगी भूलना नहीं है हमें एक ये cos xy है हमारे पास तो ये यहाँ पर माइनस cos x plus y तो अब ये यहाँ पर y डैश इक्वल टू ये जो टर्म है इसको इधर नीचे डिनोमिनेटर में लिखेंगे बस और वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा और उससे ज्यादा सिंप्लीफिकेशन नहीं कर ठीक है समझ आ गया यस मैम अच्छा अब कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन यस मैम तो ये जो तुम्हारी एक्सरसाइज 5.3 है ओके इसमें क्वेश्चन नंबर 1 2 क्वेश्चन नंबर 8 ये जो है किसी के ऊपर बेस्ड है इम्प्लिसिट फंक्शन पर तो ये तुम कर लेना